तो अपने आप से एडजस्ट कर लेता हूँ लाइट, फिर उसके बाद क्या है कि अब वीडियो शूट करता हूँ। कि जितना एटीट्यूड बा कुल एक मिनट में भुला जाए, अरे बेटा सुन ला, कि जितना एटीट्यूड बा कुल एक मिनट में भुला जाए। तो गाइस आज वो समय आ गया है कि मैं कैसे शायरी बनाता हूँ, मैं आज वही आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे कि हाँ भाई बताओ कैसे शायरी आप शूट करते हो, कैसे बनाते हो, कैसे एडिटिंग करते हो, सब कुछ आप लोगों को बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और हाँ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आप लोग यार वीडियो को देख के चले जाते हो, ना ही लाइक करते हो ना ही सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लो और वीडियो को भी लाइक कर दो। चलो फटाफट से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। कैसे मैं गाइस देख सकते हो मैं फाइनली यहीं पे वीडियो शूट करता हूँ। ये रही रिंग लाइट जो कि मैं अपनी मोबाइल यहाँ पे लगाता हूँ, और पीछे रहा बैकग्राउंड जो है कि ब्लैक वाला पर्दा। मेरे पीछे का बैकग्राउंड आप लोग देखते हो ब्लैक ब्लैक, ये पर्दा का कमाल है जो कि मैं पर्दा के पीछे ये वीडियो शूट करता हूँ। क्योंकि मैं आउटडोर वीडियो शूट करता नहीं, इंडोर वीडियो शूट करता हूँ, यानी कि घर में जब शूट करता हूँ वीडियो तो मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने डिजिटेक का रिंग लाइट लिया था, ये तकरीबन तो 3,000 या कुछ रुपये का मिला था, और ये स्टैंड भी 1,000 का था। तकरीबन 4,000 रुपये गए थे मेरे, क्योंकि मैं बाहर वीडियो नहीं शूट कर पाता, मेरे साथ में कोई है नहीं, कोई कैमरा पकड़ेगा और मैं शूट कर लूँगा। तो आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, अगर आपके पास माइक नहीं है तो आपको मोबाइल की वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, एक दो मोबाइल चाहिए फिर आप लोगों को। तो हम क्या करते हैं कि ये देख सकते हो बोया बाईएमोन माइक है, यहाँ कॉलर पर लगाते हैं हम, फिर उसके बाद मोबाइल में लगा देते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। ये रही मेरी मोबाइल, मोबाइल को मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ, मोबाइल को कुछ इस प्रकार से लगा देता हूँ, और ये जो है माइक को कुछ इस प्रकार से अंदर डाल के कॉलर में यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि दिखे ना। यहाँ पे देखते तो आप लोग माइक लगते दिख नहीं रहा ना। तो इसके बाद अब क्या करना है, इसका लिड जो है अब मोबाइल फोन खोलो लगा दें। लगाने के बाद अब यहाँ से हम शायरी शूट करते हैं। तो हमारे क्या है कि रिंग लाइट की आवाज़ ये मतलब यहाँ पे ब्राइटनेस को कम ज़्यादा कर सकते हो आप लोग देख लो, और यहाँ से येलो का भी दिया रहता है देखो। तो अपने आप से एडजस्ट कर लेता हूँ लाइट, फिर उसके बाद क्या है कि अब वीडियो शूट करता हूँ। कि जितना एटीट्यूड बा कुल एक मिनट में भुला जाए, अरे बेटा सुन ला, कि जितना एटीट्यूड बा कुल एक मिनट में भुला जाए, अगर अंबेडकर नगर वाले से टकराई बना है तो कुल औकात समझ में आ जाए। तो ये जो मैं बाद में इसको दिखाया है स्लो मोशन में लगाया जाता है। तो गाइस कुछ इस प्रकार से शूट होती है। अब क्या है आप लोगों को, यानी कि अगर आपके पास माइक नहीं है तो दो मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक फ़ोन से रिकॉर्ड करना पड़ेगा वीडियो, और एक से है कि जो कि वॉइस रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप लोगों को एडिटिंग करनी पड़ेगी। तो अब क्या करना है, हमारा तो ये कंप्लीट हो गया, अब हम डायरेक्टली चलते हैं एडिटिंग के तरफ, और म्यूज़िक कहाँ से लोड करते हैं उसको भी बताएंगे आप लोगों को। चलो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर। तो गाइज़ फाइनली हम लोग आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है। यूट्यूब पे जाने के बाद वहाँ पे सर्च कर लेना है नो कॉपीराइट म्यूज़िक। अगर आपको एटीट्यूड चाहिए तो एटीट्यूड, लव सैड, अगर कुछ भी म्यूज़िक चाहिए आपको तो यूट्यूब पे जाके आप लोगों को कुछ इस प्रकार से सर्च कर लेना है। नो कॉपीराइट आपको ज़रूर लगाना, अगर एटीट्यूड करना है तो एटीट्यूड म्यूज़िक नो कॉपीराइट इस तरह से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद फिर आपको जाना प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको काइन मास्टर इस कुछ इस प्रकार से लोगों देखेगा, तो वहाँ पर सर्च करना है काइन मास्टर। काइन मास्टर सर्च करने के बाद वहाँ पर अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आएगा। अगर अलाउ अलाउ मांगेगा तो अलाउ कर लेना। कुछ इस प्रकार से फिर इंटरफेस खुल के आएगा। तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं तो हम न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारा जो हो कि मिलने मतलब वीडियो बनाने का आ जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ या देखो बैंड बैंड में है तो इसको हम नहीं करेंगे, हम लोगों को सीधा सीधा बनाना है तो इस वाले पे करेंगे। 9:16 पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद यहाँ नीचे क्रिएट का ऑप्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को, तो यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का जितना वीडियो होगा सब खुल के आ जाएगा। तो जिस फोल्डर में आपका वीडियो हो वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है शायरी वाली। तो मेरा ये रहा, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कट का ऑप्शन ऊपर देखने को मिलेगा कोने साइड में, तो वहाँ पे क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद कुछ इस प्रकार से खुल के आ जाएगा। हम यहाँ से वीडियो पहले प्ले करके देखते हैं कहाँ से कट करना है हमको।
कि जितना गर्मी। तो गाइस देख सकते हो, पहले यहाँ से हमको इतना ट्रिम करना है, यहाँ से इस पे क्लिक करना है लेयर पे, फिर उसके बाद यहाँ ऊपर ट्रिम का ऑप्शन देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद ट्रिम पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इस ट्रिम पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद ट्रिम लेफ्ट, ट्रिम राइट, कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा ऊपर ऊपर। तो हमको क्या करना है, लेफ्ट साइड का काटना है, तो हम यहाँ लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ देख सकते हो पूरा कट गया। अब क्या करना है आपको, सिंपली यहाँ से पूरा वीडियो कि हम जितना चलाएंगे और गर्मी बह देखेंगे सब एक कहाँ मिनट तक में झाड़ हमारी दे। वीडियो फिर ये चल बेटा रही सुन है। ला कि जितना गर्मी बह सब एक मिनट में झाड़ दे, अगर अम्बेडकर नगर वाले से टकराई बना पकड़ के तो टंगरिया फाड़ दे। तो हमारी वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो गई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर ट्रिम का ऑप्शन दिखेगा आप लोगों को कैंची वाला, फिर उसके बाद हम यहाँ से हमको क्या हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में ट्रिम कर लेंगे। यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से हमने ट्रिम कर लिया। ट्रिम करने के बाद अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसी लेयर पे क्लिक करके स्पीड पे क्लिक कर देना है। जैसे स्पीड पे क्लिक करेंगे आप लोग, आप अपना स्पीड जो है कि यहाँ से बढ़ा लेना, जैसे स्पीड को आप बढ़ा सकते हो वैसे, मतलब जितना आपको स्लो करना है तेज़ी से करना है तो उसको कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे म्यूट का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस वाले पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ इधर की आवाज़ हमको नहीं चाहिए, तो हमने इसको बंद कर दिया। अब फिर क्या करना है, अगर आपको आपके मोबाइल में कलर एडजस्टिंग नहीं हो रहा है, कैमरा सही से नहीं आया है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा, तो इसमें बहुत सारा फिल्टर यहाँ से यूज कर सकते हो आप। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको ब्राइटनेस ब्राइटनेस सही कर सकते हो। आप लोग देख सकते हो ये ब्राइटनेस है, तो यहाँ से आप सही कर सकते हो। यहाँ ये क्वालिटी का आप लोगों को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 30 पे कर देते हैं। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, हमको लगानी है म्यूज़िक। पे ऑडियो का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ नीचे देख सकते हो यहाँ सॉन्ग का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक कर देना आपको। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आप, फिर आपको जिस जो म्यूजिक आपने डाउनलोड किया है यूट्यूब से उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद मैं अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा ये रहा म्यूजिक। मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद फिर यहाँ प्लस वाला आइकन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो इस प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ देख सकते हो नीचे लेयर आ गया है, और नहीं ऊपर जो है कि कॉर्नर में आप लोगों को कट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे कट कर देना है। फिर एक क्या करना है, इस म्यूजिक पे क्लिक करना है, यहाँ आवाज़ मिक्सर का दिखेगा, तो यहाँ आवाज़ को आप क्या करना है, डाउन कर लेना है, अब अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 30 पे कर देता हूँ, फिर उसके बाद अब देखता हूँ प्ले करके सही से चल रहा है कि नहीं। जितना गर्मी बस सब एक मिनट में झाड़ दे। अरे बेटा सुन ला कि जितना गर्मी बस सब एक मिनट में झाड़ दे, अगर अम्बेडकर नगर वाले से टकराई बहन पकड़ के थोड़ा टकरिए फाड़ दे। तो हमारा वीडियो यहाँ तक बन चुका है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको ट्रिम कर देंगे, यहाँ से ट्रिम कर देंगे, इतना ये वाला पार्ट इधर से ट्रिम कर दिया। अब यहाँ पे हमको लगानी है दूसरी म्यूज़िक। दूसरी म्यूज़िक लगाने के लिए फिर वही आपको करना है एटीट्यूड वाला। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके फिर इस कुछ इस प्रकार से कर लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद अब हम फिर प्ले करके देखते हैं। अब देखो इधर का जो पार्ट है, यहाँ से हम इधर से ट्रिम कर देंगे, इतना ही हमको चाहिए सिर्फ। अब देखो मैं यहाँ से पूरा प्ले करके दिखाता हूँ सही से चल रहा है कि नहीं। जितना गर्मी बस सब एक मिनट में झाड़ दे। अरे बेटा सुन ला कि जितना गर्मी बस सब एक मिनट में झाड़ दे, अगर अम्बेडकर नगर वाले से टकराई बहन पकड़ के तुम्हें टकरिए फाड़ दे। डायरी है जो शूट हो गई है, शूट होने के बाद पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। लेयर वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आप अपने चैनल का नाम, अपना नाम ज़रूर लिख देना। तो आपके चैनल का नाम क्या है आप लिख लेना, मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ क्ले सानी ऑफिशियल, क्योंकि आपका शायरी किसी को पसंद आ जाता है तो वो आपका और वीडियो देखना चाहता है, तो आपको ढूंढना चाहेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ कुछ इस प्रकार से अपने चैनल का नाम लिख देना है। चैनल का नाम लिखने के बाद ये इस वाले लेयर पे आपको क्लिक करना है, ये पूरा लास्ट तक कर देना है इस कुछ इस प्रकार से। अब हमारी जो है कि सारी शूट हो गई है, कंप्लीट हो गई है पूरा। तो यहाँ यहाँ कॉर्नर में आप लोगों को देखने को मिलेगा एक
ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम वीडियो को एक्सपोर्ट आप करेंगे, तो यहाँ सेव अस वीडियो पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे पूरा जो है कि हाईएस्ट में आप लोग करना नहीं, तो वीडियो को क्वालिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट पे पूरा कर देते हैं, फिर उसके बाद सेव अस वीडियो पे क्लिक कर देंगे, तो हमारी वीडियो जो है एक्सपोर्ट हो रही है। तो एक्सपोर्ट होने के बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। जितना गर्मी बस सब एक मिनट में झाड़ दे, अरे बेटा सुन ला कि जितना गर्मी बस सब एक मिनट में झाड़ दे, अगर अम्बेडकर नगर वाले से टकराई बना है पकड़ के तो हटा करिए फाड़ दे। आई होप गाइस इस वीडियो से आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है इंस्टाग्राम का, तो प्लीज़ जाके मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, मैं वहाँ पे भी शायरी डालता हूँ और तो और यार उस पे रील्स भी डालता हूँ। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाइए फॉलो कर लीजिए, और यूजर्स नेम है अखिलेश सनी ऑफिशियल, जाइए फटाफट से कर लीजिए। आप लोगों से मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।